उज्जैन के बड़नगर रोड निवासी गांव कोलबदा मनियाबदा सूरा खेड़ी को जानने वाला करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड खराब हो चुका है। रोड सुधारने की मांग ग्रामीण जनों ने विधायक मुरली मोरवाल के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित में की थी और अब रोड को मरम्मत करने का काम शुरू हो चुका है, पर ठेकेदारों और उसके कर्मचारियों की लापरवाही देखी जा रही है। रोड की मरम्मत सुधार के लिए नवीन मिट्टी मुरम बोल्डर का उपयोग करना चाहिए और रोड को सुधारना चाहिए, जबकि ठेकेदार उसी रोड की पुरानी मिट्टी को खोद कर डाल रहे हैं और रोड को सुधार रहे हैं, जिससे ग्रामीण नाराज है और बेहद आक्रोश में है। ग्रामीणों का कहना है कि यह रोड कुछ महीनों में ही खराब हो जाएगा, क्योंकि रोड की मिट्टी खोद कर ही इसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे रोड की साइड खराब हो जाएगी और बारिश में साइड खराब होकर रोड खराब हो सकती है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये रोड कितने किलोमीटर का है और क्या ये जो सब साइडें काट दी है तो क्या दिक्कत आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है? ये रोड 4-5 किलोमीटर का है, मनियावदा से चिकली तक का। अच्छा, इसमें जो पुराना रोड बना हुआ था उसमें से साइड में से जो साइड भरी हुई थी उस साइड को खोद के गड्ढे बना बना के ये फिर से नए सिरे से साइड में भर रहे हैं डामर के। अच्छा, रोड बनाने के लिए पहले नुकसान होगा। अच्छा, नहीं नई गिट्टी या नया बोल्डर वगैरह मुरम इनको नया डालना था ताकि दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती। उनको नए सिरे से कहीं से भी खदान में से ला के मटेरियल डालने का था, वो यहीं से मटेरियल इकट्ठा करके नहीं बना रहे। अब दिक्कत परेशानी क्या हो जाएगी वापस बाद में? परेशानी बरसात में सारा पानी इसके अंदर घुसेगा और पानी घुसने के कारण सारी मिट्टी गीली होके बह के चली जाएगी। अच्छा, इससे इसको रोकना चाहिए। कितने गांव के लोग यहां से निकलते हैं इस रोड से? हाँ, 2-3 हजार लोगों का है ये गांव, 3 गांव मिलके एक रोड है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।